नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर दो है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो दो है। ठीक है, तो एक टावर और एक बिल्डिंग है, तो मान लेते हैं ये एक टावर है और ये एक बिल्डिंग है, इनका साइज थोड़ा अलग अलग करते हैं। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब आसानी होगी कंपेयर करने में। लेट से ये टावर है और ये क्या है, बिल्डिंग है। तो क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बता रखा है, 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप कितना है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है, दैट इज 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है ये 50 मीटर का है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछी गई है, बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछी गई है। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, टेन का इस्तेमाल करके इससे आप ये निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल में देखो, टेन का इस्तेमाल करके आप ये निकालेंगे, अगर ये निकल गया फिर से टेन का इस्तेमाल करेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में और ये निकल जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, समझ गए। देखो इन दो ट्राइंगल को मैं अलग अलग बना देता हूं, ये देखिए, और इसको नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, ये है 50 मीटर, दिस एंगल इज 30 डिग्री। चलो एक काम करते ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एंगल कितना, 60 डिग्री, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये देखो ट्राइंगल ए बी डी, मैं इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी क्या हो जाएगा, टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी विल बी इक्वल टू 50 अपॉन ए बी, टेन सिक्सटी क्या हो जाएगा, 50 अपॉन ए बी। 1060 कितना होता है, रूट थ्री, 1060 इज वॉट, रूट थ्री इक्वल टू 50 अपॉन ए बी, सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 बाय रूट 3, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 बाय रूट 3 आ गई। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज 50 बाय रूट 3। अब इस पे चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस पे आएंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, ये देखिए, अब इस छोटे वाले ट्राइंगल पे आएंगे, ये वाले ट्राइंगल पे, कमिंग टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो अगेन क्या मैं यहाँ पे टेन, देखो ये एंगल 30 डिग्री है ना, क्या पर मैं लगा सकता हूँ 10 30, सो 10 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, 10 30 होता है 1 बाय रूट 3, बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है और ए बी की वैल्यू कितनी है, 50 बाय रूट 3, इसका मतलब बी सी क्या हो जाएगा, 50 रूट 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 50 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो कितना बनाइए, बी सी इज इक्वल टू 50 बाय 3 मीटर, तो कितनी वैल्यू आई, 50 बाय 3 मीटर। तो यही निकालना था आपको, बी सी मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग, therefore, height of building is 50 by 3 meter,
50 बाय 3 मीटर। ठीक है बच्चों लोग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 बाय 3 मीटर। क्लियर। तो इससे पहले बेस निकाला, फिर बेस से ये वाली साइड निकाली, राइट right? क्योंकि ये जो बेस है वो इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन है, बेस जो है वो इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन है। क्लियर। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो आंसर है क्या वो सही है। सो द आंसर इज नाइन्थ का 16 2 बाय 3 मीटर। 16 2 बाय 3, तो पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो है 16 2 बाय 3। 16 2 बाय 3 मतलब क्या होता है, 16 3 ज़ा 48, 48 + 2 दैट इज 50, तो 50 बाय 3। तो वही चीज़ है, 50 बाय 3 को ही हम लोग 16 2 बाय 3 लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर सही है। तो इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। यहां पर हमेशा आपको कॉमन साइड निकालनी है, ठीक है, कॉमन साइड। इसके पहले वाले अगर आप क्वेश्चन देखो उसमें भी तो वही बात थी, कॉमन साइड वाली बात थी। इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है ये देखो, इस वाले में देखो, इस वाले ट्राइंगल में एंड इस वाले ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, यही है ना, ये एडी कॉमन है, ए एंड डी। तो y इस छोटे वाले ट्राइंगल के पास भी था, y इस बड़े वाले के पास भी था, इसीलिए तो आप इक्वेट कर पाए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब में सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि कॉमन साइड आ जाए। तो इस ट्राइंगल से आपने ये निकाला और ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा था, इसलिए फटाफट काम हो गया। ठीक है, इससे ये निकाला, फिर इससे ये निकाला, ठीक, समझ गए। चलिए कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके जी, दो खंभे हैं, टू पोल्स, ये लो, ये एक पोल है एंड ये दूसरा पोल है, ऑफ इक्वल लेंथ, ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, ये रोड है, रोड कितना है, 80 मीटर वाइड है। सपोज दिस इज पॉइंट, दिस इज ए, ये पोल है ए बी और ये पोल है पी क्यू, तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, 80 मीटर। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर समवेयर कहीं पर एक पॉइंट है जहां से एक खंबे को देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री आता है, वहीं से दूसरे पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आता है। ठीक है, एक का 60 डिग्री आता है और दूसरे का 30 डिग्री आता है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो ये जो पॉइंट है वो बताना है कि कितना डिस्टेंस पे है, यहां से बताओ या यहां से बताओ, और खंभों की हाइट कितनी है, तो ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक डायग्राम अलग से यहां पर बना लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। ठीक, तो ये इधर हो गया, ये ऐसा, तो इसका नाम हमने ए दिया था, दिस वॉज ए, दिस वॉज बी, दिस वॉज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये आर का नाम देते हैं। ओके, सो ये एंगल है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अच्छा, यही 60 है और यही 30 क्यों है, रीजन क्या है, जितना पास होगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ेगा, तो पॉइंट आर ए बी के पास है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, और पॉइंट आर पी से दूर है इसलिए एंगल 30 डिग्री है। अगर इसको 60 कर दिया और इसको 30 कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पास वाले एंगल बड़े होते हैं, तो ये आर ए बी के पास है ना, इसलिए बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों खंभों की हाइट सेम है, तो अगर इसकी हाइट मैं एक्स ले लेता हूं तो इसकी भी हाइट मैं एक्स ले लूंगा, राइट, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और इसकी टोटल लेंथ 80 है, तो अगर ये वैल्यू y है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस y, यस और नो, टोटल लेंथ 80 है ना, तो अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस y, 80 माइनस y, राइट। तो अब यहां पर आपको दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी आर, इन ट्राइंगल ए बी आर, ये देखो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, ए बी आर, तो इस वाले ट्राइंगल में x और y से मतलब है, तो क्या लगेगा, tan 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन y, तो tan 60 कितना होता है, √3, √3 इज इक्वल टू x बाय y, इसका मतलब x इक्वल टू y √3। ठीक है,
अब दूसरे वाले ट्रायंगल की बात, इस वाले की बात करते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हुआ? तो देखो, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस वाले में देखो, ये जो है ट्रायंगल पी क्यू आर, बाय द वे दोनों ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री वाले हैं ना, क्योंकि खंबा जमीन से तो सीधा ही होगा, खंबा थोड़ी ना आड़ा टेढ़ा लगा है किसी ने कि एंगल अलग होगा, तो दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो, क्या यहाँ पर टेन थर्टी लगेगा? टेन थर्टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एटी माइनस वाई, तो टेन थर्टी कितना होता है? वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स बाय एटी माइनस वाई, है ना? तो एटी माइनस वाई उधर चल जाएगा, सो एटी माइनस वाई अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एक्स, ठीक। तो अब क्या होगा यहां पर? एटी माइनस वाई इक्वल टू एक्स रूट थ्री। अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या दो इक्वेशन है आपके पास? क्या दो इक्वेशन है? क्या दो अननोन है? तो जब दो इक्वेशन होती है, दो अननोन होता है, तो आंसर जरूर आता है। तो अब एक काम करेंगे, एक्स की वैल्यू वाई रूट थ्री है, तो यहां पर जहां पर एक्स है वहां पर वाई रूट थ्री डाल देंगे, तो डाल दें। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो जहां जहां पर x है वहां पर y रूट थ्री डाल दो। तो ये देखो, ये 80 माइनस वाई है, राइट? अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग टू इन सब्स्टिट्यूटिंग वन इन टू, सब्स्टिट्यूटिंग वन इन टू, वन को टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये क्या बन गया? 80 माइनस वाई इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? वाई रूट थ्री, वाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? वाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री, सो 80 माइनस वाई इक्वल टू थ्री वाई, सो 80 इक्वल टू माइनस वाई उधर चल जाएगा, तो थ्री वाई के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? फोर वाई, सो वाई इक्वल टू 80 बाई फोर, तो कितना हो जाएगा? फोर टू ज़ा एट ज़ीरो, सो वाई इक्वल टू 20 मीटर। वाई की वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर आई। अगर वाई की वैल्यू 20 मीटर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई रूट थ्री, मतलब एक्स इज इक्वल टू 20 रूट थ्री मीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 20 रूट थ्री मीटर, समझ गए? तो देखो, एक्स क्या था? लेंथ ऑफ द पोल, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल इज, लेंथ ऑफ पोल इज कितना? 20 रूट थ्री मीटर, ठीक है। एंड एंड दूसरा क्या यहां पर बोला था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल इज कितना मीटर? 20 मीटर। और अगर वाई की वैल्यू 20 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 60 मीटर, ठीक है। तो खंभों की लेंथ कितनी है? 20 रूट थ्री, क्योंकि ये जो एक्स है यही तो खंभे थे, तो कितनी है? 20 रूट थ्री। एंड दूसरा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? 20 या तो 60, कितना? 20 या तो 60। इधर से देखोगे तो 20 और इधर से देखोगे तो 60, तो कुछ भी बोल सकते हो, 20 बोल सकते हो या तो 60 बोल सकते हो, क्लियर? तो वही है, एक बार चेक कर लेंगे कि क्या जो आंसर है वो सही है, सही इन द सेंस कि कहीं कोई रैशनलाइजेशन या कुछ वैसा तो नहीं कर रखा। यस, 20 रूट थ्री एंड 20 या 60 मीटर। ऑलराइट एवरीवन, चलिए इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। थ्री टू वन गो। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है, टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। डायग्राम साफ साफ आपके सामने दिया हुआ है, तो फिर भी अगर डायग्राम नहीं भी होता तो बिना उसके भी एक बार कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रखा है? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, ये कैनाल है, उसके किनारे पे ये टावर लगा हुआ है। फ्रॉम
फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. ठीक है, सो ये जो है ये बैंक है. ठीक है, ये बैंक है, दिस इज द बैंक. ओके, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है. फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. तो ये जो टावर है ये 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री है, राइट. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. तो हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर है, इसको वाई पकड़ लेते हैं और इसको एक्स पकड़ लेते हैं. तो एक्स और वाई निकालना है. तो बच्चों पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए. बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, तो पता है ना जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल होता है तो क्या करना होता है. दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है, इसको हमने x का नाम दिया यहाँ से यहाँ तक को, और इसको हमने y का नाम दिया है. ठीक है, और दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d. ठीक है, तो पहले क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी. तो ट्राइंगल ए बी सी को यहाँ भी देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो. ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल 10 60, क्योंकि हाइपोटेन्यूस से तो कोई मतलब नहीं है. 1060 विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, 1060 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. 1060 कितना होता है, रूट थ्री इक्वल टू वाई बाई एक्स. सो वाई इक्वल टू एक्स रूट थ्री, वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स रूट थ्री. अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में एंगल कितना है, इस बार 30 डिग्री है. 1030 इक्वल टू वाई अपॉन 20 प्लस एक्स, वाई अपॉन 20 प्लस एक्स. 1030 कितना होता है, 1 बाय रूट थ्री इक्वल टू वाई बाय 20 प्लस एक्स. सो 20 प्लस एक्स इक्वल टू वाई रूट थ्री. ये देखो, ये मेरा क्या निकल के आया, दूसरा इक्वेशन, दिस इज माई इक्वेशन वन एंड दिस इज माई इक्वेशन टू. अब वही बात हो गई, सब्स्टिट्यूटिंग वन इन इक्वेशन टू, है कि नहीं. दो इक्वेशन है, दो अननोन है, याद रखो. जब भी दो इक्वेशन हो गई और दो अननोन है, मतलब दो अननोन है और दो इक्वेशन, तो समझ लो काम हो गया. उसके बाद तो सिर्फ इनपुट ही करना होता है वैल्यू. तो मैं यहां पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग वन इन इक्वेशन टू. वन को टू में डालना है तो क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस एक्स इक्वल टू, ये जो y है, y की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स रूट थ्री, एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री. सो 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x. सो 20 इक्वल टू, x उधर चल जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x. सो x इक्वल टू 20 बाई 2, दैट इज 10 मीटर. ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल गया है, 10 मीटर. अगर x की वैल्यू 10 मीटर है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 10 रूट थ्री, y इज इक्वल टू 10 रूट थ्री मीटर. ठीक है, 10 रूट थ्री मीटर, क्लियर. तो आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो टावर की हाइट क्या है, y, तो यहां पे लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट थ्री मीटर. ओके, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, तो विड्थ ऑफ कैनाल को किसे डिनोट किया था, x से. विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर. ठीक है बच्चे लोग, तो देखते हैं कि क्या आंसर है क्लास 11th का, 10 रूट थ्री एंड 10, राइट, 10 रूट थ्री एंड 10. ओके ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट. 3 2 1 गो, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. तो मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर की है. दिस इज द बिल्डिंग. ठीक है, ये बिल्डिंग है.
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा ये केबल टावर है, दिस इज द केबल टावर। यहाँ से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखो ये तो नॉर्मल हॉरिजॉन हो गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बता रखा है, 60 डिग्री बता रखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके फुट का वो कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक है, 45 डिग्री का। इसका मतलब ये होगा कि रुको इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ मैं। हाँ तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, तो ये जो एंगल है ये 45 है। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट क्या होगी। तो ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, राइट। तो आपको डीसी निकालना है, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। चलो देखते हैं। देखो अगर ये एंगल 45 है तो क्या ये एंगल भी 45 होगा, यस और नो? अगर ये 45 है तो ये भी 45। रीजन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। अब इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, इस येलो वाले ट्राइंगल को कंसिडर करो। अगर ये वैल्यू 7 है और ये 45 डिग्री है तो क्या इससे BC आ जाएगा? जो वैल्यू BC की होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। अच्छा इसको, इस वाले पॉइंट को ई नाम दे देते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ई। तो जो वैल्यू BC की होगी वही AE की वैल्यू होगी। जो वैल्यू AE की होगी अगेन tan थीटा का इस्तेमाल करके, tan 60 का इस्तेमाल करके आप DE निकाल लोगे। बस बात बन गई। फिर से एक बात देखो, अगर ये 7 है तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा, है कि नहीं? ये वैल्यू 7 है तो ये वाली वैल्यू 7 होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में देखो ABC में, तो ABC में पहली चीज मैंने आपको क्या बोला था, जब भी दो ट्राइंगल आएंगे कॉमन को पहले निकाल लो, कॉमन निकल गया तो बात खत्म हो गई। तो देखो कॉमन मतलब क्या, इसकी हेल्प से आप tan 45 लगाओगे तो ये साइड आ जाएगी, ये साइड आ गई तो जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू होगी, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू, जो वैल्यू इसकी होगी tan 60 करके फिर ये वाली वैल्यू निकाल लेना। तो ये 7 है और ये जो वैल्यू आपने निकाली इन दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म हो गई उधर ही। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7 अपॉन BC। tan 45 होता है 1 इक्वल टू 7 बाय BC। सो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। तो ये जो BC है ये कितना आ गया, 7 मीटर। अगर BC 7 मीटर है, अगर BC 7 मीटर है तो यहां पर ये भी तो 7 मीटर होगा, AE, ये जो AE होगा ये भी 7 मीटर होगा, राइट। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, इस रेड वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर ये साइड 7 मीटर है, ये 60 है, तो यहां पर इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED क्या लगेगा यहां पर, tan 60। तो tan 60 विल बी इक्वल टू DE अपॉन AE। AE का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है, चाहो तो यहां पर लिख लेना, यहां पे लिख लेना साइड में, AB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू AE। BC की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू AE की वैल्यू होगी, और ये भी कितनी होगी, 7 मीटर। ये साइड में कहीं पर लिख लेना, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू DE अपॉन 7, tan 60 कितना होता है, root 3 इक्वल टू DE अपॉन 7। तो DE का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 root 3, DE का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 root 3। ठीक है, तो DE का वैल्यू कितना आया, 7 root 3। therefore height of tower is, height of tower is कितना होगा, हाइट ऑफ टावर क्या है, CE प्लस DE। तो कितना है, CE का वैल्यू कितना है, 7 मीटर प्लस 7 रूट 3 मीटर इक्वल टू, 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये 7 निकल के आया, और 7 के हेल्प से जब ये निकाला तो ये निकल के आया 7 रूट 3। तो टोटल हाइट कितना हो गया, 7 प्लस 7 रूट 3। ठीक है, देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 7 मीटर प्लस 7 रूट 3 मीटर। तो 7 कॉमन लेके 1 प्लस रूट 3 मीटर्स। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं, 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ऑलराइट, चलिए कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. तो देखो क्या बोल रखा है, ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये एक लाइट हाउस है और ये समंदर है. एक शिप यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये एक शिप है और दूसरा शिप ये यहाँ पर है. तो यहाँ से जब लाइट हाउस से पहले वाले शिप को देखा एंड दूसरे वाले शिप को देखा तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल के आया, ये देखो ये हॉरिजॉन है, दिस इज द हॉरिजॉन. तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पहले वाले शिप का वो है 45 डिग्री एंड इस दूसरे वाले सॉरी कितना 45, हाँ बराबर एक 45 है एंड दूसरे वाले शिप को लेकर कितना है 30 डिग्री है, ठीक है. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, ये लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर का है, ठीक है, याद रखना ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से देखा जा रहा है. तो पहले वाले शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है, पहले वाले का डिप्रेशन 45 डिग्री का है और दूसरे वाले का कितना 30 डिग्री का है. तो आपसे पूछ रखा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताइए, ठीक है. तो इसको नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो शॉर्ट में मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं यहां पे, जरा देखिए छोटा सा डायग्राम इधर पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड ये हो गया हॉरिजॉन. तो देखो अगर ये एंगल 45 है तो यहां से ये एंगल 45 हो गया, है कि नहीं. अगर ये एंगल 45 है तो यहां से ये एंगल भी तो 45 हुआ ना, और ये एंगल अगर 30 है तो यहां से ये एंगल भी 30 हुआ. रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. तो देखा जाए तो ये ऊपर वाला ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे यहां पे ये एक लिया ये दूसरा लिया, ये एंगल है 45, ये एंगल है 30. अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, दिस इज 7 मीटर. आपसे ये पूछा है सीडी पूछा है तो इसको x नाम दे दो और इसको y नाम दे दो. ये साइड x है और ये y है, तो दो ट्राइंगल है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी. तो यहाँ पर क्या लगेगा, tan 45 इज इक्वल्स टू, tan 45 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन y, ठीक है. तो tan 45 1 होता है तो 1 इक्वल टू 7 अपॉन y, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई. दूसरा इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी क्या लगेगा यहाँ पर, tan 30, tan 30 इक्वल टू 7 अपॉन x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई. क्यों ऐसा, क्योंकि एक जो ट्राइंगल है ये देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल ये है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का ऑपोजिट जो साइड है वो 7 है और बेस जो है इसका ऑल्टरनेट साइड क्या है, x एंड y है, x प्लस वाई, तो इसलिए x प्लस वाई. और यही जब मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल के, तो छोटे वाले ट्राइंगल का ऑपोजिट कितना है, 7, तो इसलिए ये 7 है और इसका बेस कितना है, y, इसलिए ये y है, ठीक है. तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 7 अपॉन x प्लस वाई, सो क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 7√3. ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अब क्या सब्स्टिट्यूटिंग इन, क्या होगा यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 2, 1 को हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 को जब हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर y है वहाँ पर 7 वैल्यू डाल देंगे, तो ये जो है x प्लस, इस y की जगह पर क्या आ जाएगा, 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 7√3, सो x इक्वल टू 7√3 माइनस 7, सो x इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है. तो देयरफोर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज, देयरफोर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 7√3 माइनस 1 मीटर, 7√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है बच्चे लोग. एक बार जल्दी से इसको चेक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 75√3 माइनस 1 मीटर है, 75, वेट अ मिनट मैंने कुछ गलत, ओह सॉरी बच्चों एक चीज देखो, ये 75 मीटर है, दिस इज 75 मीटर, मैंने क्या ले लिया, 7 मीटर, इसको ठीक कर लेना, जहां जहां पर 7 है वहां पे 75 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज 75, दिस इज 75.
तो ये 75 हो जाएगा, ये 75 और ये 75, यहाँ पर ये 75, ये 75, ओके एंड इस वजह से ये 75√3 है, जैसे 75√3, और यहाँ भी हर जगह 75, ये 75, ये 75, तो ये हो जाएगा 75। ठीक, कॉन्सेप्चुअली कोई चेंज नहीं आया, बस गलती से मैंने 5 लिखना भूल गया। ठीक है, इसलिए आंसर चेक करते रहना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि कहीं गलती से कुछ और तो नहीं लिख दिया उसकी जगह। ठीक है, तो इसको क्विकली कॉपी कर लीजिए, फटाफट बढ़ेंगे, फटाफट बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखो पहले बलून यहां पर था, तो जब बलून यहां पर था, देखो जब बलून यहां पर था तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था लड़की की आंखों में, 60 डिग्री। जब बलून मूव करके यहां पर पहुंचा तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, दिस इज 30 डिग्री। ये जो हाइट है ये कितनी बता रखी, टोटल हाइट 88.2, 88.2 में से खुद लड़की 1.2 मीटर की है, ये जो लड़की 1.2 मीटर की है, तो इसका मतलब जरा समझिए होगा ये यहां पर कि ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है, ये देखो ये टोटल जो है यहां पर ये लड़की है ये, और एक ही हो गया। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये जो टोटल है ये 88.2 है, और लड़की अगर खुद 1.2 की है तो 88.2 में से इतना पोर्शन को उड़ा दो, इतने पोर्शन को उड़ा दो, 1.2 मीटर को उड़ा दो। रीजन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो इससे ऊंचे वाले लेवल पे आएगा ना, तो इतना हिस्सा हम उड़ा देंगे। ठीक है, इतना हिस्सा हम उड़ा देंगे, अपने को इससे मतलब ही नहीं है, तो 88.2 में से 88.2 में से 1.2 उड़ा दो, 88.2 में से अगर हम लोग 1.2 उड़ा देते हैं तो कितना बचता है ये 87, कितना बचता है ये 87, दिस इज 87 मीटर्स। ओके, तो पहले बलून यहां पर था, अब बलून यहां पर चला गया है, तो ये डिस्टेंस पूछा गया है, ये वाले डिस्टेंस पूछा है, तो इसको नाम देते हैं दिस इज ए बी सी डी एंड ई। तो ये पूछा गया आपसे, आपसे क्या पूछा है, बीडी पूछा है, आपसे पूछा कि बीडी की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो बीडी की वैल्यू होगी वही तो सीडी की वैल्यू होगी, है कि नहीं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, तो बीडी आपसे पूछा गया है, तो भाई निकाल लो। अगर ये 87 है, अगर ये 87 है, सो 87 तो ये भी 87 होगा, यस और नो, अगर वो 87 है तो ये भी तो 87 ही हुआ, अगर ये 87 तो ये भी 87, तो ये दो ट्राइंगल आप देख रहे हो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये 87 है, 87 की हेल्प से आप AD निकाल लोगे, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस 87 की हेल्प से आप AB निकाल लोगे, तो AD में से AB को माइनस कर दो तो BD आ जाएगा, है कि नहीं, ये जो BD पूछा है ना, AD में से AB को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा बस। तो AD की वैल्यू कैसी आएगी, इस बड़े वाले ट्राइंगल से 10 30 लगाओगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में आप 10 60 लगाओगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी 10 60 विल बी इक्वल टू 87 अपॉन ए बी, तो 10 60 कितना होता है √3, √3 इक्वल टू 87 अपॉन ए बी, सो ए बी की वैल्यू कितनी आई 87 बाय √3। ठीक है, अब दूसरा इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई यहां पर क्या लगाएंगे 10 30, तो 10 30 विल बी इक्वल टू 87 अपॉन, 10 30 विल बी इक्वल टू 87 अपॉन AD, तो 10 30 कितना होता है 1 बाय √3 इक्वल टू 87 अपॉन AD, सो AD की वैल्यू कितनी आ गई 87√3, राइट 87√3। उसके बाद यहां पे लिखता हूं मैं बाकी,
देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू, बीडी इज इक्वल टू एडी माइनस एबी। बीडी की वैल्यू क्या होगी? एडी माइनस एबी। तो बीडी जो है वो एडी कितना है? 87√3 माइनस 87/√3। नाउ 87 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1/√3। ठीक है, सो ये बन गया 87 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3, 3 माइनस 1 2। ठीक है, देखो √3/√3 3, 3 माइनस 1/√3। तो 87 इंटू 3 माइनस 1 कितना होता है? 2/√3। सो BD की वैल्यू कितनी आई? BD की वैल्यू आई 87 इंटू 2/√3। ठीक है, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 87 इंटू 2/√3। तो ये डिस्टेंस है। अब पीछे आंसर हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है रैशनलाइज किया हो। ठीक है, मुझे लगता है रैशनलाइज ही किया होगा, क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि अगर मैं रैशनलाइज कर देता हूं तो रैशनलाइज करने के लिए देखो BD इक्वल टू, एक काम करता हूं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहां पे, रैशनलाइज BD इक्वल टू 87 इंटू 2/√3 है, इंटू √3/√3 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये 87 इंटू 2√3/3 है। अच्छा, 3 से कट जाएगा ना, 29 इंटू 2√3, तो 58√3 मीटर। सो BD की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 58√3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे देयरफॉर बैलून ट्रेवल्ड 58√3 मीटर। बैलून ट्रेवल्ड 58√3 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। यस, 58√3 मीटर, बलून ट्रेवल्ड 58√3 मीटर। ठीक है बच्चे लोग, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए क्विकली, वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए फास्ट। चलो 3 2 1 गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक हाईवे है सीधा, वो कहाँ पर? एक टावर के फुट तक जाता है, ये टावर है उसके फुट तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दैट पॉइंट। बिल्कुल वही वाला जो शिप वाला क्वेश्चन था, कि पहले जो है यहाँ पर शिप यहाँ पर था, इस बार कार है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द कार, पहले कार यहाँ पर थी, तो जो इसका डिप्रेशन वाला एंगल था वो कितना था? 30 डिग्री का। अब थोड़ी देर बाद, 6 सेकंड बाद, ये जो कार है ये चल के यहाँ आ जाती है। ठीक है, कितने टाइम बाद? 6 सेकंड बाद। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके, तो क्या बोल रखा है? कितने सेकंड बाद? ये 6 सेकंड बाद, ये 6 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से यहां तक अगर उसको 6 सेकंड लगे, तो यहां से यहां तक उसको कितना सेकंड लगेगा? ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, ये सवाल पूछ रखा है, यहां से यहां तक 6 सेकंड, तो यहां से यहां तक कितना सेकंड? तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम मैं अलग से बना लेता हूं इस बार अच्छे से। तो देखो ये 60, ये 30, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंस पे लगता है, याद रखना, लेंथ पे लगता है, टाइम पे नहीं लगता। ये 6 सेकंड है, तो इसको किस में चेंज करना होगा? अपने को इसको डिस्टेंस में चेंज करना होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये तो टाइम है, लेट द वेलोसिटी ऑफ कार इज ऐसा, लेट द वेलोसिटी ऑफ कार इज कुछ भी पकड़ लो, वी पकड़ लेते हैं, लेट द वेलोसिटी ऑफ कार इज वी। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विल बी, तो डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम।
तो वेलोसिटी तो वी है और टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना है 6 वी। तो इसका मतलब ये जो सी डी की वैल्यू रही होगी ये कितनी रही होगी, 6 वी रही होगी। ठीक है, ये जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 6 वी रही होगी। पर चलेगा अगर आप इसको 6 वी ना लिख करके अगर इसको जस्ट 6 वी रखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से। ठीक है, आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो, अदरवाइज चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। एक बार ये देख लेना कि स्कूल में टीचर क्या बोल रही हैं, क्योंकि याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक टाइम पे नहीं लगता, डिस्टेंस पे लगता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 6 लिख करके सॉल्व करूँ तो टेक्निकली ये गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर वही आएगा इसलिए चलता है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चल करके जब ये चैप्टर बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा तो जा करके फिर इस लॉजिक का कोई सेंस बनेगा। फिलहाल इसको मैं 6 ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं और इसको वाई का नाम देते हैं। तो बेसिकली हमको एक्स ही तो निकालना है, एक्स निकालना है, राइट। तो दो ट्राइंगल है, तो पहले ट्राइंगल लेंगे हम लोग ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा यहाँ पर, 1060 विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो 1060 कितना होता है, √3, √3 इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब वाई कितना हो जाएगा, x√3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। दूसरा, इन ट्राइंगल ए बी डी 1030 विल बी इक्वल टू y अपॉन x प्लस सिक्स। तो 1030 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू y अपॉन x प्लस सिक्स। सो x प्लस सिक्स की वैल्यू किसके बराबर है, y√3 के बराबर है, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वन इन टू, सब्स्टिट्यूटिंग वन इन टू, वन को हम टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, x√3, x√3 इन टू यहां पर क्या हो जाएगा, √3। सो एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू √3 इन टू √3, थ्री थ्री एक्स। तो एक्स उधर चल जाएगा, तो 6 इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x। सो x इक्वल टू 6/2 कितना हो जाएगा, 3। ओके, इसका मतलब गाड़ी सी से बी तक जाने में कितना टाइम लेगी, 3 सेकेंड। ठीक है, देयर फोर कार विल टेक 3 सेकेंड टू रीच द टावर, कार विल टेक 3 सेकेंड टू रीच द टावर। समझ में आया बच्चे लोग, कार विल टेक 3 सेकेंड टू रीच द टावर। क्विकली एक बार आंसर चेक कर लेंगे हम लोग, 3 सेकेंड्स। डन एवरीवन, इसे क्विकली कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे, आखिरी क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ओके, ये कुछ नया लग रहा है, समझते फिर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है जी, तो देखो ये एक टावर है, ये जमीन है, तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एक यहां से देखा गया और एक यहां से देखा गया। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो देखो ये डिस्टेंस है 4 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 4 मीटर, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 9 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं कहता हूं कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो अगर एक 20 डिग्री होगा तो दूसरा कितना होगा, 70 डिग्री, क्योंकि 70 प्लस 20 ही तो 90 बनाता है। मैं कहता हूं कि दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, एक अगर 50 है तो दूसरा कितना होगा, 40, है कि नहीं। मैं कहता हूं दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, एक एंगल अगर 100 है तो दूसरा कितना है, तो सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है, 180, तो एक अगर 100 है तो दूसरा 80।
तब जाके 180 बनेगा। मैंने कहा कि दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, एक अगर 20 है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा 160, समझ गए। तो सप्लीमेंट्री में सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो क्या बोल रखा है यहाँ पर क्या बोला है, हाँ, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एक अल्फा हो गया और इसको बीटा का नाम देते हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो 6 मीटर है। ओके, तो एक काम क्यों नहीं करता हूं मैं, अगर ये एंगल अल्फा है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा। तो मैं एक काम करता हूं, ये बीटा लिखने के बजाय सीधा सा यहां पर लिख देता हूं कि दिस इज 90 माइनस अल्फा। ठीक है, 90 माइनस अल्फा। ऑलराइट, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। एक एंगल अगर अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा है, इसकी वैल्यू को एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ए है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो हमें ए बी की वैल्यू एक्स लेके, एक्स की वैल्यू 6 लेके आनी है, क्योंकि यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, सो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन 4, एक्स अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी टेन 90 माइनस अल्फा क्या होगा, इक्वल टू एक्स अपॉन 9। तो दो चीजें हो गई, तो एक आया टेन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन 4, दूसरा टेन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन 9। अब मुझे बताओ टेन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स बाई 9। ठीक है, और टेन अल्फा की वैल्यू एक्स बाई 4। तो अब एक चीज देखते हैं, टेन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा बाई कॉज अल्फा। साइन अल्फा बाई कॉज अल्फा की वैल्यू है एक्स बाई 4। ठीक है, एंड कॉट अल्फा क्या होता है, कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, इसकी वैल्यू हो गई एक्स अपॉन 9। ठीक है, तो एक काम मैं यहां पर ये कर सकता हूं क्या, चल ये भी क्यों ही करना है, इतना लंबा चौड़ा क्यों करना है। तो टेन अल्फा एक्स बाई 4 है, कॉट अल्फा एक्स बाई 9 है, तो वन कॉट अल्फा को मैं 1 बाई टेन अल्फा लिख सकता हूं, तो 1 बाई टेन अल्फा इक्वल टू एक्स बाई 9 हो गया। ठीक है, तो टेन अल्फा की वैल्यू एक्स बाई 4 है, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, तो जहां पर आपको ये टेन अल्फा दिखाई दे रहा है वहां पर एक्स बाई 4 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इस टेन अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स बाई 4 इक्वल टू एक्स अपॉन 9, विच इंप्लाइज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो 4 बाई एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 9, विच इंप्लाइज एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो गया 9, इधर से 9 फोर जा 36, 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स इक्वल टू रूट 36, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू x इक्वल टू 6 आ गया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, और हाइट ऑफ टावर को किसे डिनोट किया था, x, और ये x 6 आया, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया, तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री थे, एक अल्फा था तो दूसरा 90 माइनस अल्फा था। इस पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लगाया हमने, इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगाया टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स बाई 4। फिर उसके बाद हमने इस दूसरे वाले ट्राइंगल में लगाया, ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल था ये बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर इसमें हमने लगाया टेन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन 9, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस अल्फा विल बी कॉट अल्फा। ठीक है, टेन 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा विल बी एक्स अपॉन 90। कॉट अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टेन अल्फा, तो 1 बाई टेन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन 9। ठीक है, बस, तो जहाँ पे टेन अल्फा था वहाँ पर एक्स बाई 4 लिख दिया। ऑलराइट, तो उसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये टेन 90 माइनस अल्फा ये कॉट अल्फा कैसे हुआ, हाउ दिस इज कॉट अल्फा। तो बच्चों ये भी आइडेंटिटीज हैं जिसको आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए साइन याद रखिए, ये भी आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो आइडेंटिटीज। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसका उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है। सिमिलरली साइन और कॉस हो गया 10, 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज 10 थीटा, ये दूसरा। उसके बाद कौन बचा, साइन कॉस 10 कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटी है। ये तीन आपको याद रखना है। अब आपके मन में सवाल आएगा, बट सर कैसे है ये समझ में नहीं आया मुझे। एक एग्जाम्पल से ले लो, जैसे लेट से थीटा है 30 डिग्री, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही वैल्यू कॉस 60 की होती है कि नहीं? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, करेक्ट। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होगी। ठीक है, कॉस 30 के बराबर होगी। रुको, एक काम करूं, इसको बाद में बताता हूं, पहले 90 माइनस 60 ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो ऊपर हमने जो एंगल दिया है वो ये 30 के टर्म्स में ले रहे हैं। तो साइन 90 माइनस 60 क्या होगा, कॉस 60। तो साइन 90 माइनस 60 क्या होगा, साइन 30। तो साइन 30 इक्वल टू कॉस 60 होता है, यस होता है। साइन 90 माइनस 60 विल बी इक्वल टू कॉस 60, राइट। तो 90 माइनस 60 कितना होता है, 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। एक और, साइन 90 माइनस 30 होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस 30 के बराबर होगा। साइन 90 माइनस 30 कितना होता है, साइन 60। तो साइन 60 इक्वल टू कॉस 30, सही बात है। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। इसीलिए तो समझ में आया, उल्टा करके देख लो। उल्टा मत करने का मतलब यहां पर ये हो गया कि इस बार कॉस के टर्म्स में ले लेते हैं, जैसे कॉस 90 माइनस 30 कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस 30 किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर, क्योंकि लॉजिक तो वही है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, तो कॉस 90 माइनस 30 कितना होता है, कॉस 60। तो कॉस 60 किसके बराबर, साइन 30 के बराबर, यस और नो? कॉस 60 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है। तो इसीलिए याद रखिए, ये भी आइडेंटिटीज हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो चलिए, दिस वाज द चैप्टर एप्लीकेशन टू द ट्रिग्नोमेट्री। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा।